हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सानोटो। आज हम बात करेंगे रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाले न्यू 650 सीसी क्रूजर बाइक के बारे में। रॉयल इनफील्ड के सीईओ विनोद दासे ने पिछले साल मीटियोर 350 के लॉन्चिंग के दौरान खुलासा किया था, कंपनी अगले 7 साल के लिए हर 3 महीने में एक न्यू मोटरसाइकिल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इस हिसाब से अगले 7 साल में टोटल 28 मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी कंपनी, और इनमें से बहुत सारे बाइक्स को टेस्टिंग के दौरान इंडिया के रोड पर स्पॉट किया जा रहा है, जिनमें से एक 650 सीसी ट्विन भी है। इसलिए कंपनी हर 2 महीने में एक न्यू नाम ट्रेडमार्क करवा रहा है। इनमें से एक बाइक का नाम शॉटगन के तौर पे कंपनी रिसेंटली ट्रेडमार्क करवाया है, जो 650 सीसी ट्विन इंजन के साथ आएगा। अगर आपको इस बाइक के बारे में पूरा डिटेल्स जानना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रॉयल इनफील्ड की शॉटगन 650 सीसी में एक बेहतरीन बाइक होने वाला है, जो रॉयल इनफील्ड के क्रूजर सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक होगा। और रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान स्पाई इमेज से पता चला है ये बाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मार्केट में लॉन्च होने के लिए। शायद ये बाइक न्यू जनरेशन क्लासिक 350 के लॉन्च के बाद ही लॉन्च हो जाए इंडिया में। दोस्तों, इस बाइक के लुक के बारे में बात करें तो स्पॉट इमेज के हिसाब से इसमें आपको फ्रंट साइड फुट पैड्स, शॉर्ट राइडिंग सीट हाइट, वाइड हैंडल बार मिलेगा, जिसके वजह से इस बाइक को एक परफेक्ट क्रूजर लुक मिल रहा है। रॉयल इनफील्ड कंपनी इंडियन मार्केट के क्रूजर बाइक के प्रति डिमांड को देखकर ही इस बाइक को क्रूजर लुक दे रहा है। भारतीय बाजार में रॉयल इनफील्ड अभी सिर्फ 2 ही 650 सीसी मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर रही है, कंटिनेंटल जीटी 650, इंटरसेप्टर 650, जो भारत की सबसे सस्ती 650 सीसी ट्विन सिलेंडर रेट्रो स्क्रैम्बलर बाइक है। और शॉटगन के लॉन्चिंग के बाद ये बाइक सबसे कम प्राइस वाली 650 सीसी ट्विन सिलेंडर क्रूजर बाइक होगी। ये बाइक 650 सीसी ट्विन सिलेंडर ऑयल कूल इंजन होने वाला है, जिसको रॉयल इनफील्ड ट्विन के तरह ही रिफाइन करके यूज किया जाएगा, जिस वजह से ये बाइक 48 bhp का मैक्स पावर और 52 nm का मैक्स टॉर्क जेनरेट कर सकती है। और साथ ही इसमें 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ स्लीपर क्लच भी दिया जाएगा। अगर बाइक के फीचर्स की तरफ ध्यान दे तो इसमें आपको मीटियोर 350 जैसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और टाइम शो हो जाएगा। एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पे राइडर के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें ट्रिपल नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसा फीचर्स दे रहा है। अगर इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करें तो फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में ड्यूल एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। क्रूजर होने के कारण इस बाइक का सीट हाइट बहुत कम रहने वाला है, जिसके कारण लॉन्ग राइडिंग में राइडर को एक कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर मिलने वाला है। और ये बाइक 14 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आने वाला है, जो सिटी राइडिंग में लगभग 13 km/h का माइलेज दे सकता है, जो इस बाइक को लॉन्ग राइडिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। और दोस्तों, इस बाइक के फ्रंट में 280 mm डिस्क ब्रेक और रियर में 240 mm डिस्क ब्रेक विथ डुअल चैनल ABS के साथ आता है। इस बाइक के टायर और व्हील्स के साइज की बात करें तो इसके फ्रंट साइड में 19 इंचेस का व्हील्स के साथ 100x90 mm एंड रेयर में 17 इंचेस के व्हील्स के साथ 150x70 mm राइडल ट्यूबलेस टायर का यूज़ किया गया है। कंपनी ने इस बाइक के लॉन्चिंग का कोई ऑफिशियल न्यूज़ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इस बाइक के टेस्टिंग को देखते हुए लगता है इसका प्रोडक्शन रेडी वर्जन बिल्कुल तैयार हो चुका है। जानकारों की माने तो ये बाइक न्यू जनरेशन क्लासिक 350 के लॉन्चिंग के बाद करीब करीब फेस्टिवल सीजन में आप अपने रॉयल इनफील्ड शोरूम में ही देख सकते हैं। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में अवेलेबल GT 650 ट्विन से ज्यादा रहने वाला है, करीबन 3 लाख एक शोरूम।